गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्लास के हिंदी मीडियम जो जर्नल सीरीज वाले बच्चे हैं उनका आज मैं सेवन चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई एम एक्सप्लेनिंग द सेवन चैप्टर टू द स्टूडेंट्स ऑफ हिंदी मीडियम ऑफ फिफ्थ स्टैंडर्ड। द नेम ऑफ द पोयम इज स्प्रिंग इज कमिंग। स्प्रिंग इज कमिंग का मतलब यह होता है, कमिंग मीन्स आना, वसंत ऋतु का आना। Spring is coming, spring is coming. Birds are building their nest, weaving together straw and feather, doing each your best. Spring is coming मतलब वसंत ऋतु आ रही है, वसंत ऋतु आ रही है। चिड़िया birds, birdies मतलब चिड़ियाएं, build your nest, आप अपना घोंसला बना लें। Weave together straw and feather मतलब बुनो, किस चीज़ को बुनो, घास के तिनके को और पंखों को, जो भी चिड़ियाओं को छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं उसको बुनकर पोएट कह रहा है कि आप अपना घोंसला बना लो। और सभी के सभी, जैसे एक मनुष्य की भी यही प्रवृत्ति रहती है, इसी तरह से चिड़ियाओं की प्रवृत्ति भी सेम ही रहती है कि वह अपना घर सबसे सुंदर बनाना चाहते हैं। तो इसमें पोएट कह रहा है कि आप कोशिश करो कि आपका घोंसला सबसे अच्छा हो। स्प्रिंग इज कमिंग, स्प्रिंग इज कमिंग, फ्लावर्स आर कमिंग टू। पैनिस, लिलीज, डॉफिडिल्स नाउ आर कमिंग थ्रू। अब फिर बोला पोएट ने कि वसंत ऋतु आ रही है, वसंत ऋतु आ रही है, फूल भी नए नए तरह के फूल खिल रहे हैं। वसंत ऋतु के साथ साथ फूल भी खिल रहे हैं और उन्हें फूलों के नाम बताए हैं, पैनसेस, लिलीज एंड डॉफोडिल्स नाउ आर कमिंग थ्रू। वो भी इस मौसम में आ रहे हैं, स्प्रिंग खिल रहे हैं। स्प्रिंग इज कमिंग, स्प्रिंग इज कमिंग, ऑल अराउंड इज फेयर। सिमर एंड क्वेयर्स ऑन द रिवर, जॉय इज एवरीवेयर। क्योंकि बसंत का मौसम आ रहा है, बसंत का मौसम आ रहा है। वसंत मौसम ऐसा नहीं देखता कि मैं इधर क्षेत्र में ज़्यादा आऊँ, उस क्षेत्र में कम आऊँ, वो निष्पक्ष सब जगह एक बराबर आता है। तो और सभी जगह वो खुशियां लेकर आता है। सिमर, सिमर मतलब होता है टिमटिमाना, किसी भी चीज़ का टिमटिमाना यानी चमकना। एंड क्वेवर, क्वेवर मतलब होता है कंधे पर लटका जाने वाला आधान, मतलब ये क्या, तीर कमान, तीर जो तीर कमान रहता है, जो जिसमें हम तीर रखते हैं अपने कंधे पे लटका करके, उसको बोलते हैं क्वायर, क्वायर ऑन द रिवर। तो टिमटिमाता हुआ मौसम आ रहा है, कभी धूप तेज निकलती है, कभी कम निकलती है, इस तरीके से। और उन्होंने क्या बोला है, जो नदियां हैं वो अपने कंधे पर क्या लेकर आ रही हैं, तीर कमान लेकर आ रही हैं। जॉय इज एवरीवेयर, और चारों तरफ खुशी ही खुशी फैल रही है, क्योंकि वसंत ऋतु हर किसी को पसंद आती है। नया नया सब कुछ नया नया दिखता है, वृक्षों में से पेड़ झड़ जाते हैं, पुराने पेड़ हट जाते हैं, नए पेड़ आ जाते हैं, इस तरीके से सभी जगह हरियाली हो रही है और नया मौसम आ रहा है। इसीलिए सब जगह क्या हो रहा है, खुशियां फैल रही हैं। हैबिट इज द सेकेंड नेचर, आदत हमारी दूसरी प्रकृति है। यहाँ पर ये पोयम खत्म होती है बच्चों। ओके, बाय।